बच्चों, आइए हम आज डीएवी स्कूल कक्षा 5वीं फ्रैक्शन टॉपिक जो यूनिट 4 है आपकी, उसमें से वर्कशीट 4 के क्वेश्चन करेंगे। वर्कशीट 4 में क्या है? ऐड अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन आप जानते ही हैं, ऐसी टू फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर अनइक्वल होता है, एज 3/8 एंड 1/6, डिनोमिनेटर आर अनइक्वल, तो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन। आज हम अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे। पहले बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए पहले हमें उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिनोमिनेटर 8, डिनोमिनेटर 6, डिनोमिनेटर की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको ढूंढनी है। कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? ताकि वो लाइक में कन्वर्ट हो जाए। आइए देखते हैं 8 और 6 की टेबल में। 6 में देखो, 24 में दोनों हमारी लाइक बनेगी, तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे ढूंढेंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। 9/24 और 4/25, 24। अब इनको हम 9/24 + 4/24, इनको हम सीधा याद कर सकते हैं 13/24। इस प्रकार से आपने अनलाइक टर्म को पहले लाइक टर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने इनको ऐड करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट फर्स्ट ए पार्ट, 4/7 + 11/14 अनलाइक फ्रैक्शन है, 7/14 लाइक में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 4/7 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 11/14 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 8/14, 11/14। नाउ ऐड करते हैं सीधा ही, कितना आंसर आ गया हमारा? 19 बाई, ये 14 था ना हमारा, 19/14 दिस इज द आंसर। सेकंड बी पार्ट देखेंगे इसका। बी पार्ट में क्या है? 5/8 + 1/6, ये हम कर चुके हैं, बिल्कुल सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या है? 1/4 + 2/5 + 7/10। अब फ्रैक्शन को जो हमारे 4, 5, 10 है इक्वल करके कर सकते हैं। सेकेंड मेथड एलसीएम, मैंने बताया था आपको सीधा ही एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा, तो 4, 5 और 10 का एलसीएम निकाल सकते हैं आप ऊपर करके, फिर 2 पे, फिर 5 पे, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 एलसीएम आएगा। अब ये 20 में लाइक बढ़ेंगे हमारे, तो सीधा ही हम ऐड करेंगे। ये अलग अलग करने की बजाय सीधी डायरेक्ट मेथड से करेंगे। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 5 = 20, तो न्यूमिनेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 5 + 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया लाइक टर्म बनाने के लिए, तो न्यूमिनेटर को भी हम 2 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया बच्चों? 5, 8, 14 / 20, इनको ऐड कर देंगे 27/20। आप जानते हैं ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन बदल सकते हैं डिवाइड करके। इस प्रकार से आपका सी पार्ट कंप्लीट होता है। चलिए डी पार्ट करते हैं। इसी प्रकार कोई डिफिकल्टी नहीं है इनमें, ये क्वेश्चन आप बड़ी इजी कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो देखते रहेगा और ये क्वेश्चन करते रहिएगा। 1/8 + 3/4। अब देखो 2, 4, 8 सबके हमारी 8 में इक्वल होगी, एलसीएम कितना आएगा? 2, 8, 4 का एलसीएम कर सकते हैं इसे कॉमन डिवाइड करके 2 पे, 1, 4 और 2, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 1, 2, 1, फिर 2 पे, 1, 1, 1, 8 हमारा एलसीएम आ गया। डिनोमिनेटर को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया लाइक बनाने के लिए, तो न्यूमिनेटर को क्या हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर को 1 से करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, तो 3 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 21 and 3 = 6/8, कितना आ गया बच्चों? 21 और 6 = 27/8, दिस इज द आंसर। सिमिलरली यू कैन डू ई पार्ट, एफ पार्ट, चलिए जी पार्ट देख लेते हैं।
जी पार्ट में क्या है, टू प्लस फोर सेवन बाई फाइव। सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ये टू बाई वन, फोर थ्री से ट्वेल्व और थर्टीन बाई थ्री, अब देखो थ्री फाइव वन तो फिफ्टीन में इक्वल होगी, एलसीएम नंबर फिफ्टीन आ गया, तो वन को फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे, इस टू को भी फिफ्टीन से, थ्री फाइव जा तो फाइव आ गया हमारा, इस थर्टीन को भी फाइव से करेंगे, प्लस फाइव थ्री जा सेवन को भी हम थ्री से करते हैं, थर्टी थर्टीन टेबल आपको आती होगी, नहीं आती तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं आप, सिक्सटी फाइव आएगा, ट्वेंटी वन आएगा बाई फिफ्टीन। अब पहले इनको ऐड करेंगे, फाइव सिक्स सिक्स एट और थ्री इलेवन बाई फिफ्टीन, इनको हम इन प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार से आप वर्कशीट फोर का क्वेश्चन वन ऐड वाला पार्ट हम कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम सबट्रैक्ट का पार्ट करेंगे।